आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हेन यू टेक सेल्स और टिश्यू पीसेस एंड ग्राइंड देम विद एन एसिड इन अ मोर्टार एंड पेसल, ऑल द स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द एसिड, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स एंड स्मॉल शुगर्स एटसेट्रा। व्हेन वन एड्स One gets another acid and soluble biomolecules called. ये question NCERT का है, ठीक है। इसके options है A nitrogen base, B adenine, C sugar phosphate, D nucleotide. Okay, तो ये question conceptual based है, तो हम समझेंगे कि question पूछ क्या रहा है। तो firstly हम देखते हैं कि क्या एक question पूछ रहा है कि अगर हम कोई tissue पे पीस या सेल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं अच्छे से मोटार पेसल के हेल्प से। ये अगर हम कोई टिश्यू लिया है तो क्या किया, एक मोटार पेसल ले लिया हमने, मोटार पेसल के हेल्प से टिश्यू है इसे हमने ग्राइंड किया। तो ये ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया। इस स्मॉल पीसेस को क्या करते हैं, स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं किस में, एसिड में। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड लिया, एसिड, ठीक है। एसिड को हम कलर करते हैं कुछ येलो कलर में, ठीक है, कि अंडरस्टैंडेबल रहे कि हम इस कलर को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एसिड येलो कलर यहाँ पे शो कर रहा है, चलो इसको लिख ही देते हैं कि ये येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड, ठीक है। इस एसिड में हम क्या करते हैं, इस एसिड में हम जो स्मॉल पीसेस बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको डिसॉल्व कर दे रहे हैं। आफ्टर टाइम इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या करते हैं, इसमें दे रखा है प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, इनसॉल्युबल है मिनरल एसिड में, और वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये है, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, फिर उसमें हमने फिर से एसिड बनाया, येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एसिड को। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा जो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गए हैं, बाकी क्या है सारे डिसॉल्व हो चुके हैं। तो ये प्रेसिपिटेटेड क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, ये प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन शो कर रहा है हमें, प्रोटीन्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड शो कर रहा है एंड न्यूक्लिक एसिड शो कर रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो है ना इसमें डिसॉल्व हो चुके होंगे, तो क्वेश्चन क्या कर, द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स इंक्लूड, तो इसमें क्या है, एसिड सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसिड सॉल्युबल कंपाउंड कौन कौन से, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, स्मॉल शुगर, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या क्या, अमाइनो एसिड को हम शॉर्टली लिख लें ए, ठीक है, फिर लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, फिर इसमें स्मॉल शुगर आ जाएगा, स्मॉल शुगर्स, ये क्या है, डिसॉल्व है इस एसिड में। अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अब असली क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में ट्विस्ट है ये कि व्हेन वन एड्स अ फॉस्फेट ग्रुप, अगर ये जो हमारा डिसॉल्व्ड है, डिसॉल्व जो एसिड जो एसिड में डिसॉल्व है ऑलरेडी, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या, टू अ न्यूक्लियोसाइड वन गेट्स अनदर एसिड सॉल्युबल माइक्रो, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखेंगे कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से, ए नाइट्रोजन बेस, बी एडेनिन, सी शुगर फॉस्फेट, डी न्यूक्लियोटाइड, तो हमारा आंसर क्या निकला है, न्यूक्लियोटाइड, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।